वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने दो शातिर और कुख्यात लुटेरे को गिरफ्तार किया है जो 100 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुका है। इनके पास से पिस्टल, 3 कारतूस, बाइक और 6 गोल्ड चेन बरामद किए गए। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बताया कि अजय उगेंडा और मोनू पर मोकोका के अलावा 100 से ज्यादा मामले हैं। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने ट्रैप लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया। इसके लिए एसीपी ऑपरेशन उमाशंकर की देखरेख में इंस्पेक्टर नरेंद्र, सब इंस्पेक्टर संदीप दबास की टीम बनाई गई थी। पुलिस ने इनके ठिकाने से रेड करके वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है, जिनमें एक पिस्टल, 3 कारतूस, चोरी की बाइक, 6 गोल्ड चेन भी शामिल है। पूछताछ में अजय ने बताया कि ये लोग ज्यादातर बुजुर्ग महिलाओं को अपना टारगेट बनाते थे और अपने टारगेट को लोडेड पिस्टल से डराते थे और उसके बाद उनसे लूट की वारदात को अंजाम देते थे। साथ ही लगातार स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने पर अजय के साथ उसके भाई, उसकी माँ, उसकी आंटी और उसके साथी को मोकोका के मामले में 6 साल की जेल हुई थी। मोनू और उसके साथी को भी मोकोका के मामले में 4 साल के लिए जेल जा चुका है। पुलिस ने अजय उर्फ गेंडा को 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर रखा है और उससे पूछताछ कर रही है। स्पेशल स्टाफ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने 2 बहुत ही डेस्परेट स्नैचर अरेस्ट किए हैं, जिनमें से एक का नाम मोनू है। मोनू पे पहले 95 केसेस हैं और दूसरे का नाम अजय गेंडा है। अजय गेंडा पे भी 85 केसेस हैं। दोनों मकोका में पहले अरेस्ट हो चुके हैं और उसके बाद ये जो अजय गेंडा है ये 2012 में बाहर आया और मोनू 2015 में बाहर आया। इनके फैमिली मेम्बर्स भी मकोका में अंदर अरेस्ट हुए थे। तो बाहर आने के बाद से ये लोग लगातार स्नैचिंग कर रहे थे, बहुत ही डेस्परेट हैं। मेन इनका एमओ रहता था चेन स्नैच करने का और वो भी बुजुर्गों से। अभिषेक कपूर के साथ राखी पोद्दार, NN न्यूज़ दिल्ली। और NCR की खबरों के लिए देखते रहिए NN न्यूज़ दिल्ली NCR। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।